गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा है कि बबलू ने अपने घर के लिए 3 किलोग्राम, 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम, 50 ग्राम चीनी और 2 किलोग्राम, 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना अधिक खरीदा? ठीक है, यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि किसने अधिक सामान खरीदा वजन में और कितना अधिक खरीदा। यहाँ व्यक्ति भी दो है और दो यहाँ सिचुएशन बन रहा है, कितना अधिक और किसने खरीदा। पहला व्यक्ति क्या है, पहला व्यक्ति बबलू है, इसके बाद दो पार्ट में यहाँ लिख देंगे, पहले बबलू, ठीक है, पहला व्यक्ति है। दूसरा क्या है, दूसरा अफसाना है, हम यहाँ लिख रहे हैं। कॉलम क्या कह रहा है कि 3 किलोग्राम और 500 ग्राम आलू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बबलू में क्या कर रहा है, 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 500 ग्राम क्या कर रहा है, आलू खरीदा, क्या आलू। फिर कह रहा है 1 किलोग्राम बैगन, तो देखिए पहले क्या करेंगे, जो किलोग्राम है और ग्राम है पहले इसको हम एक राशि में चेंज करेंगे, इसमें ग्राम में चेंज करेंगे, इसमें ग्राम में चेंज करना आसान है इसको। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, आलू का किलोग्राम और ग्राम है, तो इसको चेंज कर दें ग्राम में, ठीक है। यानी यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है जी, 1000 ग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यहाँ कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, तो जब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, या कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, यानी कि 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम बराबर 3 × 1000 बराबर क्या जाएगा जी, 3000 ग्राम किलोग्राम। अब यहाँ 500 ग्राम भी है, ठीक है, इसको यहाँ ऐड कर लेंगे, आगे लिख देंगे 3000 ग्राम प्लस प्लस कर लेंगे कितना जी, 500 ग्राम, 500 ग्राम कितना हो जाएगा, 3500 ग्राम, 3500 ग्राम ये क्या था, आलू का कुल वजन है कितना दी, 3500 ग्राम था, 3.5 किलोग्राम। इसके बाद क्या करना चाहता है कि और 1 किलोग्राम बैगन, यानी अभी बबलू का चल रहा है अभी सिचुएशन, फिर क्या लिखेंगे, क्या थी 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बैगन कौन खतरा जी, खतरा है बबलू बैगन, यानी कितना जाएगा, हो जाएगा 1000 ग्राम, क्या जाएगा बैगन का वजन हो जाएगा 1000 ग्राम। अब यहाँ ध्यान देंगे कि आलू का कितना वजन है, 3500 ग्राम है, और ये क्या आपका बैगन का वजन ग्राम, का वजन इसका 1000 ग्राम। अब दोनों को ऐड कर देंगे, लिखेंगे बबलू द्वारा खरीदा गया वस्तु की कुल मात्रा बराबर
कितना जी 3500 ग्राम आपका आलू है, इसमें प्लस कर देंगे 1000 ग्राम बैंगन, तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4500 ग्राम, कितना जी 4500 ग्राम अर्थात 4.5 किलोग्राम। तो ये अभी आपका फर्स्ट व्यक्ति का सिचुएशन है, अब देखते हैं सेकंड का क्या है, अफसाना, ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे अफसाना। अब देखेंगे इसका वजन कितना है, इसके वस्तु का वजन यहाँ पर रहा है कि अफसाना ने 2 किलोग्राम और 500 ग्राम चीनी, यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है, शॉर्ट वर्ड में 2 किलोग्राम और 500 ग्राम कैसा था चीनी, चीनी। फिर कह रहा है कि 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग चेंज कर लेंगे ग्राम में, यानी कहेंगे 2 × 1000 प्लस 500, ये किलोग्राम है, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे समझिए ग्राम में, तो बिना के 1000 से 2 × 1000 प्लस यहाँ पर ग्राम में है, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2500, यानी 2500 क्या जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम, ये क्या चीनी का कुल मात्रा कितना है जी 2500 ग्राम अर्थात 2 किलो 500 ग्राम। अब क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम 50 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम ध्यान देने पर क्या है 50 ग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम और 50 ग्राम, यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कितना जी 2050 ग्राम हो जाएगा। अब कह रहे हैं 2 किलोग्राम और 250 ग्राम बेसन करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम क्या कर लें जी बेसन, ठीक है, यहाँ पे बेसन, और इसको भी चेंज करेंगे, जो किलोग्राम है इसको चेंज करेंगे ग्राम में, और इसको ग्राम में है इसको इसमें ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे 2 × 1000 प्लस 250, ठीक है, ये पर ग्राम में, ये पर पहले से ग्राम में है, कितना जाएगा ये 2000 यानी 2250 ग्राम, 2250 ग्राम, ठीक है, यानी 2250 ग्राम। तो ये था इससे चीनी का वजन कितना जी 2050 ग्राम, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बेसन का वजन कितना जी 2250 ग्राम यानी 2250 ग्राम। अब इनके दोनों जो वस्तु है चीनी और बेसन दोनों को वजन को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, लेकिन अफसाना द्वारा खरीदा गया वस्तु की कुल मात्रा, खरीदा गया वस्तु की कुल मात्रा बराबर कितना है, यहाँ पर दिया गया चीनी का मात्रा 2050 ग्राम प्लस यहाँ पर आया बेसन कितना जी 2250 ग्राम, यानी यहाँ लिखेंगे कितना जाएगा 2050 ग्राम प्लस 2250 ग्राम, यानी 0 का 0 5 5 10 का 0 1 2, ठीक है, 2 0 2 1 3, यहाँ गया 2 2 4, यानी कितना गया जी आपका, ये आपका आ गया 4 किलोग्राम 300 ग्राम, यानी 4300 ग्राम आ गया, कितना गया जी ग्राम, ठीक है, ये क्या है, ये अफसाना द्वारा खरीदा गया वस्तु का कुल मात्रा कितना है 4300 ग्राम, यानी 4 किलोग्राम और 300 ग्राम है कुल वस्तु की मात्रा। और देखेंगे इसका कितना है बबलू का, तो इसका यहाँ लिखा गया है कितना जी
4500 ग्राम। अब यहाँ देखिए इसका कितना है, इसका दिया गया 4500 ग्राम, इसका है 4300 ग्राम, यानी किसका अधिक है जी, तो बबलू का अधिक है, कितना अधिक है 200 ग्राम, यानी यहाँ 4500 ग्राम है और यहाँ कितना है, यहाँ को 4300 ग्राम है, किसका अधिक है जी, बबलू का अधिक है, कितना अधिक है मात्र 200 ग्राम अधिक है। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देंगे, ठीक है ऊपर में पता बबलू द्वारा खरीदा गया वस्तु की मात्रा, खरीदा गया वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा अधिक है, क्या जी अधिक है, कितना अधिक है जी, तो यहाँ 200 ग्राम, कितना जी 200 ग्राम अधिक है, यह होगा सही इसके आंसर। ठीक है, इसका नोट करेंगे और अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। पहले क्या किया आपको, ठीक है वीडियो को देखिए, ठीक है एक बार इसको अच्छे से देखिए समझिए, फिर वीडियो को स्किप कीजिए और आप अपने अनुसार इसको हल कीजिए, ठीक है, ताकि आप इसे कितना समझे हैं इससे आपको पता चल जाएगा। जहाँ पर दिक्कत हो रहा है फिर वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए फिर समझिए, फिर वीडियो को स्टॉप कीजिए और आप अपने से हल कीजिए, ठीक है, तब जाकर आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ चुके होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।